मैं विनोद कोठारी, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर। पिछले लेक्चर में जो हमने शुरुआत की थी C301 यूनिट 1 फ्रेम्स में, हमने उसमें मेथड ऑफ सेक्शन पे हमने एक प्रॉब्लम पूरी सॉल्व की थी। आज हम दूसरा मेथड देखेंगे कि जिसमें कि विभिन्न उस फ्रेम्स में विभिन्न अवयवों में किस प्रकार से हम बलों की गणना करते हैं। तो उसका सेकंड मेथड है, दैट इज जॉइंट मेथड, मेथड ऑफ जॉइंट्स। इस विधि यह विधि ढांचे के सभी अवयवों में बलों का मान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त होती है। उस मेथड ऑफ सेक्शंस में तो अगर हमको कोई फ्रेम दे रखी है उसमें दो या तीन अवयवों में ही अगर यदि बलों की गणना करनी हो तो वो मेथड ऑफ सेक्शन अधिक उपयुक्त होता है। जबकि यदि सभी मेंबर्स में यदि हमको बल निकालना हो तो उसके लिए हमें मेथड ऑफ जॉइंट्स हमारे लिए अधिक उपयुक्त होता है। इस विधि में निम्न स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। पहला यह है कि सबसे पहले बाह्य बलों के कारण उत्पन्न प्रतिक्रिया ज्ञात करते हैं कि जो भी यदि उस फ्रेम पर बाह्य बल लग रहे हैं तो उस बाह्य बल के कारण से जो उसमें रिएक्शंस डेवलप होंगी उन रिएक्शंस की कैलकुलेट करते हैं। सेकंड है, प्रत्येक जोड़ पर पृथक पृथक बलों को ज्ञात किया जाता है। अब क्या करते हैं कि इसमें मेथड ऑफ जॉइंट्स में एक एक जोड़ हम लेते हैं और उन जोड़ों पर हम जो अवयव अब उस पर मीट आउट कर रहे हैं जोड़ पर, उन जोड़ों के हम अलग अलग उनको कैलकुलेट करके हम बलों की गणना करते हैं। अब तीसरा पॉइंट होता है, इसमें प्रत्येक बलों की दिशा को एज्यूम कर तिरछे बलों के ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज कंपोनेंट ज्ञात करते हैं। अब चूंकि फ्रेम्स में तिरछे मेंबर्स भी होंगे तो निश्चित तौर पर उनको, चूंकि हम इसमें जो इक्वेशंस काम में लेते हैं, समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो, तो जितने भी जो तिरछे हमारे मेंबर्स होते हैं उनके दो कंपोनेंट्स निकाले जाते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। और उसके बाद हम नेक्स्ट जो करते हैं, प्रत्येक जोड़ पर सिग्मा एच इज इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा वी इज इक्वल टू जीरो समीकरण का उपयोग कर अवयवों में बलों की गणना करते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल मैंने ले रखा है। यह एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल लिया है मैंने जो मैंने मेथड ऑफ सेक्शन में लिया, ताकि हमको ये क्रॉस चेक भी हो जाए कि दोनों से हमारे को जो बलों की जो गणना हमने की है वह दोनों मेथड से एक समान आ रही है या नहीं आ रही है। तो उदाहरण हमने ये लिया है कि इस तरह की एक फ्रेम है और जिसमें ए बी सी डी ई एक फ्रेम है जिसमें ए बी एसी और बीसी की लंबाई दर की है 5 मीटर और यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है ए डी सी जिसमें ये दोनों एंगल 60 डिग्री हैं। तो निश्चित तौर पर ये कि ये ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज होने पर ए डी भी हमारी 5 मीटर होगी और सी डी भी हमारी 5 मीटर होगी। अब इसी तरीके से यदि हम इस ट्रायंगल को देखें हम सी डी बी सी डी में, तो बी सी डी में ये यहाँ पर ये 60 डिग्री है और यहाँ पर ये भी 60 डिग्री ही होगा। तो ये 120 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी हमारा 30 डिग्री ही होगा। तो इस केस में अच्छा, दूसरा ये है कि यहाँ पर ये सी डी भी हमारी 5 मीटर है और सी बी भी हमारी 5 मीटर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में हमको ये इसमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैंने ट्राइंगल सबसे पहले लिया है बी सी ई। बी सी ई ये चूंकि राइट ट्राइंगल है, यहाँ पर ये एंगल ई पर हमारा समकोण बन रहा है, इस कारण से हम इसमें सी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो सी इज इक्वल टू बी सी को 60 जो कि हमारा 5 × 0.5 और ये 2.5 मीटर आ गया। और फिर हम ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे सी ई एफ, चूंकि हमको सी एफ की वैल्यू भी हमको ज्ञात करनी है, तो सी एफ में सी एफ इज इक्वल टू सी ई को 60 और दिस इज 2.5 × 0.5 दैट इज 1.25 मीटर। अब ए जी यहां से हमने यदि इस परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है तो यह परपेंडिकुलर इस एसी के मध्य पर ही होगा, ये समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। तो ए जी इज इक्वल टू हाफ ए सी, चूंकि ट्राइंगल ए सी डी इज समबाहु त्रिभुज है, तो ए जी इज इक्वल टू 2.5 मीटर। अब हम
बी के सापेक्ष गुण लेकर हम यहां पर रिएक्शंस याद करेंगे आर ए एंड आर बी। तो हम क्लॉकवाइज हम डायरेक्शन में हम पॉजिटिव मान रहे हैं मोमेंट को, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव मान रहे हैं। तो यहां पर हमने बी पर आघूर्ण लिया तो आर ए इंटू बी पर हमारा जाएगा, तो ये हमारा डायरेक्शन इस तरीके से रहेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो यहां पर आर ए इंटू टेन माइनस टेन इंटू जी बी, यह जो लोड है ये डाउनवर्ड लोड है, ये इसका मोमेंट इस तरीके से जाएगा इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यह 10 इंटू जी बी माइनस 12 इंटू एफ बी। और हम चूंकि जानते हैं कि साम्यावस्था की अवस्था में सभी आघूर्णों का बीजीय योग शून्य होता है, तो इसको हमने इक्वल टू जीरो पुट कर दिया है। इसके कैलकुलेट करके हमने आर ए इज इक्वल टू निकाला हमने 12 किलो न्यूटन। इसी प्रकार से हम ए पर ए के सापेक्ष गुण लेंगे हम, तो ए के सापेक्ष गुण लेने पर हमारा यहां पर ये देखिए आर बी इंटू ए का ये जो डिस्टेंस है, तो यह हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आर बी इंटू टेन, क्योंकि यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस लोड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 मीटर है, तो यहां पर हमने आर बी इजिकल टू 10 मीटर लिख दिया है, प्लस ये 10 इंटू ए जी और 12 इंटू ए एफ। तो ये वैल्यू भी हमने यहां पर पुट कर दी क्योंकि हम सी एफ निकाल चुके हैं, तो ये दैट इज 1.25 मीटर। तो ए एफ इज इक्वल टू हो गया 5 मीटर प्लस 1.25 यानी 6.25। तो हमने यहां पर ये 6.25 हमने लिख दिया और इसको सॉल्व किया तो आर बी की वैल्यू आ गई 10 किलो न्यूटन। अब इसमें हम चेक लगाएंगे कि हमने जो रिएक्शंस निकाली है वो सही निकाली है या नहीं निकाली है। तो इसके लिए यह है कि हम ये जानते हैं कि डाउनवर्ड लोड, समेशन ऑफ डाउनवर्ड लोड्स शुड बी इक्वल टू रिएक्शंस, समेशन ऑफ रिएक्शंस। तो उस केस में हम समेशन ऑफ डाउनवर्ड लोड करें तो हम 10 प्लस 12 यानी कि 22 किलो न्यूटन हो रहा है, और हमने जो आर ए और आर बी निकाला है, आर ए हमने 12 किलो न्यूटन कैलकुलेट किया है और आर बी हमने 10 किलो न्यूटन कैलकुलेट किया, तो इन दोनों का योग भी 22 किलो न्यूटन होता है। इट मीन्स कि जो हमने रिएक्शंस निकाली है वो सही है, तो डेट इज दिस इज ओके। ये मैंने चेक लगा दिया, समेशन ऑफ डाउनवर्ड लोड इज इक्वल टू समेशन ऑफ रिएक्शंस और अपवर्ड लोड, 12 प्लस 10 22, आर ए प्लस आर बी भी 22 हो रहा है। अब हम इसको एक एक जॉइंट को हम लेंगे। अब जॉइंट लेते समय भी हमको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हम उस जॉइंट को देखते हैं कि जहां पर सिर्फ दो ही अननोन वैल्यूज हो, यानी कि हमारे यहां पर दो ही अननोन वैल्यूज होने पर हम यहां पर सबसे पहले बी बिंदु हम ले सकते हैं और ए बिंदु भी हम ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी ये दो ही हमारे अननोन है और यहां पर भी ये दो ही अननोन है। तो हम शुरुआत यहां से लेफ्ट से राइट की तरफ करते हैं, तो इसलिए हम यहां पर जॉइंट ए हम यहां पर लेंगे। तो जॉइंट ए हम जब लेंगे तब सबसे पहले इसका एक हम फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लेंगे इस तरीके से कि यहां पर इस जॉइंट ए को दिशाया हुआ है और यहां पर हम इन दोनों मेंबर्स में एडी और एसी में हम किसी भी डायरेक्शन का हम फोर्स मान लेंगे कि बल इस डायरेक्शन में लग रहा है या टुवर्ड्स जॉइंट और अवे फ्रॉम द जॉइंट, ये हम एज्यूम करते हैं सबसे पहले। और तो सबसे पहले मैंने ये एज्यूम किया है कि एफ ए डी जो लोड है वह टुवर्ड्स जॉइंट है और एफ ए सी अवे फ्रॉम द जॉइंट है। तो यहां पर ये चूंकि तिरछा है, जैसे मैंने बिंदु संख्या 3 में बोला था कि चाबाद के उसमें तिरछे ऊर्ध्वाधर, तिरछे बलों के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कंपोनेंट ज्ञात करते हैं, तो यहां पर भी हम चूंकि ये एफ ए डी हमारा तिरछा है तो इसका यहाँ हम वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे। अब इसमें भी वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डायरेक्शन हम चेंज नहीं करेंगे, यदि यह डाउनवर्ड आ रहा है तिरछे का तो वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, और चूंकि ये राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो इसलिए हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी राइट से लेफ्ट की तरफ रखेंगे। तो ये एफ, चूंकि ये एंगल इज 60 डिग्री, यहां पर ये जॉइंट का एंगल 60 डिग्री है, तो एफ ए डी साइन 60 हो गया हमारा वर्टिकल कंपोनेंट और एफ ए डी कोस 60 हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब इन फोर्सेस को हम रिजोल्व करेंगे, यानी कि ऊर्ध्वाधर वियोजन करेंगे हम वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो अब वियोजन करने पर हम सबसे पहले इसमें यह लिखा है कि रिजोल्विंग द फोर्सेस वर्टिकली
हिंदी में है बलों का ऊर्ध्वाधर वियोजन करने पर। अब बलों का ऊर्ध्वाधर वियोजन किया तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है एफएडी साइन 60, डाउनवर्ड हमने पॉजिटिव ले लिया है और ये 12 किलो न्यूटन हमारा अपवर्ड है, तो इसको मैंने, चूंकि अगर मान लो डाउनवर्ड मैंने पॉजिटिव लिया है तो अपवर्ड हमारा नेगेटिव होगा, तो इसको मैंने माइनस 12 कर दिया और इससे मैंने एफएडी कैलकुलेट कर लिया 13.86। अब चूंकि यह पॉजिटिव ही आ रहा है, इट मींस कि जो मैंने डायरेक्शन माना है इस लोड का, वह डायरेक्शन मैंने उपयुक्त माना है। यदि मान लो यहां पर यह नेगेटिव आता है तो हमको ये डायरेक्शन चेंज करना होता है जब फाइनल हम रिजल्ट लिखते हैं। तो अब इसी तरीके से हॉरिजॉन्टली अगर हम करते हैं तो एफएडी कोस 60 हमारा लेफ्ट राइट टू लेफ्ट है और जनरली हम पॉजिटिव हम मानते हैं लेफ्ट टू राइट, तो यहां पर मैंने एफएसी को मैंने पॉजिटिव माना है यहां पर, और एफएडी कोस 60 जो कि राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन है इसका, तो इसको नेगेटिव माना है। इससे मैंने कैलकुलेट किया है एफएसी आया 6.93 किलो न्यूटन। ये भी चूंकि हमारा पॉजिटिव ही है तो ये जो डायरेक्शंस मैंने माने हैं ये डायरेक्शंस बिल्कुल सही माने हैं, तो मैंने यहां पर इसको इस स्केच में मैंने डायरेक्शंस के अनुसार मैंने शो कर दिया है। अब इस तरफ ये डायरेक्शन तो उसका, इधर भी इस जॉइंट पर भी इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स जॉइंट होगा और इस अवयव का जो फोर्स है वह अवे फ्रॉम द जॉइंट है, तो यहां पर सी पॉइंट पर भी अवे फ्रॉम द जॉइंट होगा। तो इस तरीके से अब यहां पर यह देखा जाता है कि यह कंप्रेशन में है या टेंशन में है, क्योंकि ये बल या तो कंप्रेशन में होंगे या टेंशन में होंगे। तो यदि मान लो जॉइंट की तरफ ये पुश डायरेक्शन है तब तो उसमें यह है कि वो जॉइंट को पुश कर रहा है, तो यानी कि यह कंप्रेशन में हो गया। तो यहां पर यह जो जॉइंट बल है एफ ए डी, यह हमारा कंप्रेसिव फोर्स है जिसको मैंने सी से डिनोट किया है, और चूंकि ये यहां पर यह खिंचाव आ रहा है जॉइंट में, ये उसको खींच रहा है जॉइंट को, तो यहां पर यह इसको टेंशन बता दिया मैंने। इसका पूरा आगे टेबल में इसको हम और इसको डिफाइन करेंगे। तो यह, तो इस तरीके से हमने यह जॉइंट ए को हमने सॉल्व करके हमने दो अवयवों में इसमें हमने बल की गणना कर ली है। अब नाउ हम नेक्स्ट हम लेते हैं जॉइंट डी। जॉइंट डी में हमने उसमें हमारे यहां पर ये तीन इस तरह के ये फोर्सेस आ रहे हैं, अवयव आ रहे हैं एफ डी ए, एफ डी सी और एफ डी ई, और यहां पर ये किलो न्यूटन का लोड लग रहा है डी बिंदु पर। तो यहां पर ये इस तरीके से मैंने शो कर दिया, लेकिन इसमें चूंकि हम एफ एडी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो एफ एडी की वैल्यू हमारे पास है, तो अब हमारे पास ये दो ही अवयवों में हमारे को फोर्सेस निकालने हैं, तो इसलिए ये जॉइंट भी हमारे लिए उपयुक्त है, हम ले सकते हैं इस जॉइंट को भी। तो अब चूंकि ये तीनों ही फोर्सेस हमारे तिरछे हैं तो इन तीनों के ही हम वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पर एफ एडी को कैलकुलेट किया तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आया एफ एडी कोस 30, चूंकि इसका डायरेक्शन अपवर्ड है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट का भी अपवर्ड रहेगा, और ये लेफ्ट टू राइट तिरछा हो रहा है तो यहां पर ये लेफ्ट टू राइट इसको बता दिया एफ एडी साइन 30। इसी तरीके से एफ एडी एफ सी डी कोस 30 का भी, एफ सी डी कोस ये एफ सी डी है, एफ सी डी को मैंने ये डायरेक्शन एज्यूम किया है और एफ डी में डाउनवर्ड डायरेक्शन एज्यूम किया है। इसके अनुसार वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैं इनके निकाल चुका हूं, और इस तरीके से अब नाउ हम इसको रिजोल्व करते हैं वर्टिकली। तो वर्टिकली रिजोल्व करते हैं तो हमारा ये अपवर्ड है, तो हमारा सबसे पहले हम अपवर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं, तो एफ एडी कोस 30 प्लस एफ सी डी, ये भी हमारा ऊपर है तो एफ सी डी कोस 30, ये डाउनवर्ड है तो एफ डी ई कोस 60, और चूंकि 10 किलो न्यूटन का जो लोड लग रहा है पॉइंट लोड वह भी हमारा डाउनवर्ड है, तो उसको भी मैंने नेगेटिव ले लिया। तो अब चूंकि यहां पर एफ एडी की वैल्यू तो मैंने जो हमने कैलकुलेट की थी 13.86 वो मैंने यहां लिख दी है, अब एफ सी डी और एफ डी अननोन है तो इसमें मैंने ये इक्वेशन बना दी है 1.732 एफ सी डी माइनस एफ डी ई इज इक्वल टू माइनस 4। अब चूंकि हमको दो अननोन्स अगर की वैल्यूज निकालनी है तो हमको दो इक्वेशन की जरूरत रहती है। अब दूसरी इक्वेशन हम हॉरिजॉन्टली रिजोल्व करके हम इसको बनाएंगे, तो हॉरिजॉन्टली रिजोल्व करने पर हम उसको हॉरिजॉन्टली रिजोल्व किया है, तो यहां पर
लेफ्ट टू राइट हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो एफ ए डी साइन 30 माइनस एफ सी डी, ये इधर राइट टू लेफ्ट है, तो एफ सी डी साइन 30 ये लेफ्ट टू राइट है, एफ डी साइन 60 प्लस ले लिया है, इसको भी हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन बना ली माइनस 0.577 एफ सी डी एफ डी ई माइनस 8। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमने ये वैल्यूज निकाली है, एफ सी डी हमारा माइनस 10.4 आया है। ये माइनस ये शो कर रहा है कि हमने जो डायरेक्शन जो माना था वो डायरेक्शन हमको चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए यहां पर मैंने लिखा है, और यहां पर भी एफ डी ई भी माइनस आ रहा है, यानी कि जो दोनों डायरेक्शंस मैंने माने थे वो डायरेक्शंस मुझे चेंज करने होंगे। तो ये यहां लिखा है कि दोनों अवयवों में बल नेगेटिव है, अर्थात एज्यूम्ड डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो अब देखिए, अब मैंने यहां पर टुवर्ड्स अपवर्ड बता रखा था या डाउनवर्ड बता रखा था, और जबकि फिर मैंने फाइनली इसको जब मैंने बनाया है तब मैंने यहां पर ये इसको डाउनवर्ड बता दिया, इसको अपवर्ड बता दिया। तो इस तरीके से ये टेंशन में हो गया, ये कंप्रेशन में हो गया। अब हम अगला जॉइंट पकड़ लेंगे, अगला जॉइंट हमने जॉइंट सी लिया है। अब जॉइंट सी पर भी अब देखिए कि चार लोड आ रहे हैं जॉइंट सी पर। एक लोड हमारा आ रहा है एफ सी एफ ए सी, एक दूसरा लोड आ रहा है एफ बी सी, तीसरा है एफ सी डी और एफ सी ई। तो यकीन, लेकिन चूंकि हमको यह एफ ए सी की वैल्यू मालूम है, एफ सी डी की हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो केवल ये दो अननोन है, तो इन दो अननोन पे हमारा ये जॉइंट भी हमारे लिए हमने जो माना है जॉइंट लिया है वह उपयुक्त लिया है। So, अब जॉइंट सी जब हम लेंगे तो इसमें भी मैंने इनमें एफ सी डी और एफ ए सी का तो जो हमारा बल का जो डायरेक्शन था वही लिया है, लेकिन यहां पर एफ सी और एफ बी सी का मैंने डायरेक्शन एज्यूम कर लिया है। और चूंकि एफ सी हमारा तिरछा लोड है, एफ सी डी हमारा तिरछा लोड है, इसका भी वापस पुनः वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम निकाल के डायरेक्शन उसी अकॉर्डिंगली लेंगे जो इसका कि हमारा तिरछे लोड का डायरेक्शन है। जैसे इसका डायरेक्शन अपवर्ड है तो इसका वर्टिकल अपवर्ड होगा, ये राइट टू लेफ्ट है तो इसका राइट टू लेफ्ट बता दिया, इसमें ये वर्टिकल डायरेक्शन इसका लोड का डायरेक्शन तिरछे लोड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड है, और ये जो ये भी राइट टू लेफ्ट है तो ये भी इसका डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट बता दिया। अब इन फोर्सेस को हम वर्टिकली रिजोल्व करेंगे, एफ सी डी साइन 60 माइनस एफ सी ई साइन 60 इज इक्वल टू जीरो, और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एफ सी ई आया हमारा 10.4 किलो न्यूटन, और एज्यूम डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, और इसी तरीके से रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हम इसको भी करेंगे। तो ये यहाँ पर भी हमारी जो वैल्यूज आई है से प्लस में आई है, तो इसको भी हम यहाँ पर एज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे वैल्यूज आ गई हमारी एफ सी एंड एफ बी सी। एफ सी एफ बी सी के बाद फिर जब हम नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वह रहेगा हमारा जॉइंट बी। अब लास्ट में अब हमें केवल ये जॉइंट बी लेना है, क्योंकि हम इसमें कैलकुलेट कर चुके, इसमें कैलकुलेट कर चुके, ये कैलकुलेट कर चुके, ये कैलकुलेट कर चुके, अब सिर्फ हमको एफ बी ई हमको कैलकुलेट करना है। तो बी जॉइंट हमने ले लिया है और बी जॉइंट को हम सॉल्व किया है, और बी जॉइंट में हमने वापस उसको चूंकि तिरछा है तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट हमने कैलकुलेट करके हमने फोर्स वर्टिकली रिजोल्व किया है, और इससे एफ बी की वैल्यू निकाल ली है, दैट इज 20 किलो न्यूटन। और चूंकि यह भी पॉजिटिव आ रही है तो इसका मीन्स कि हमको इसका डायरेक्शन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से जो हमारा फाइनली जो हमारा बलों को जो हमने अवयवों में दर्शाया गया है वह इस फिगर में हमने दर्शा दिया है, जिसमें यह भी लिख दिया है कि फोर्स हमारा कंप्रेशन में है या टेंशन में है। लेकिन फिर इसके बाद हम इसकी एक टेबल बनाते हैं, जैसे हमने मेथड ऑफ सेक्शन में बनाई थी, मेथड ऑफ सेक्शन में जब हमने टेबल बनाई थी तो उसमें भी हम इसी प्रकार से इसमें भी हम टेबल बनाएंगे,
और ये एक फाइनल फिगर, इसमें वैल्यूज भी हमने लिख दी है और उसमें कि नेचर ऑफ फोर्स क्या है, कंप्रेसिव है या टेंशन है, तो हम कंप्रेसिव को सी से हम डिनोट करते हैं और टेंशन को हम टी से डिनोट करते हैं। इसका डायरेक्शन समेत यह पूरा फाइनल स्केच बना दिया है और फिर इसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में हम तीन वैल्यूज लेंगे, अवयव, बल और प्रकृति। अवयव हमारे हो गए हैं कि ए सी, ए डी, सी डी, सी ई, डी ई, बी सी, बी ई, और बल हमारा जो हमने कैलकुलेट किया था वो हमने लिख दिया है, और इनकी प्रकृति हमारी क्या है वो प्रकृति हमने यहाँ पर टी सी टी सी टी सी लिख दी है। इस प्रकार से हम फ्रेम्स में हम मेथड ऑफ सेक्शन और ये अगर मान लो हम टेली करें तो हम जो पहले जो हमने वैल्यूज निकाली थी मेरे प्रीवियस लेक्चर में, जो हमने मेथड ऑफ सेक्शन को सॉल्व किया था एक प्रॉब्लम को, वही वैल्यूज इसमें भी आ रही है और प्रकृति भी वही आ रही है। इट मींस कि ये हमारे मेथड ऑफ जॉइंट्स और मेथड ऑफ सेक्शन से जो हमने विधि से हमने जो प्रॉब्लम को सॉल्व किया है वह हमारी एग्जैक्ट करेक्ट है। इस प्रकार से हम किसी भी फ्रेम में, किसी भी प्रकार के फ्रेम में हम मेथड ऑफ सेक्शन या मेथड ऑफ जॉइंट्स हम काम में लेते हुए उसमें फोर्स की कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं। अब सिर्फ जो अंतर होता है मेथड ऑफ सेक्शन और मेथड ऑफ जॉइंट्स में कि सेक्शंस के अंदर यदि हमको किसी, मान लो सपोज आपको ये कहा जाता है कि आप केवल इस डीई और सीई में आप फोर्स निकालिए, तो डी और सी में जब फोर्स निकालने की बात कहेंगे तब हम निश्चित तौर पर हम यहां पर सेक्शन लेंगे और सेक्शन उस प्रकार से लेंगे कि इन दोनों मेंबर्स को काटते हुए सेक्शन लेंगे। तो मान लीजिए हम उस केस में यहां पर हम सेक्शन लेते हैं, तो सेक्शन में इस तरीके से लूंगा जो मैं पेन से आपको दर्शा रहा हूं, और उसके बाद हम राइट पोर्शन हम इसका कंसिडर करेंगे, लेफ्ट पोर्शन को हम रिमूव कर देंगे, और इसके बाद हम किसी भी पॉइंट पर हम उसका बिंदु सी पर हम मोमेंट ले सकते हैं इन का, और इस तरीके से जब हम मोमेंट सी पर लेंगे तो ये ऑलरेडी हमारा जीरो हो जाएगा और यहाँ का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाइड बाय ये हम करेंगे तो हमारी वैल्यूज आ जाएगी, प्लस ये 12 उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा सी एफ होगा, और इस तरीके से ये हमारा बी का भी हम यहाँ पर मोमेंट लेके हम इसका समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स शुड बी इक्वल टू जीरो करके हम यहाँ पर एफ डी की वैल्यू निकाल लेंगे, और इस तरीके से हमने एफ डी निकाल लेंगे। अब नाउ एफ सी की वैल्यू निकालनी है तो निश्चित तौर पर हम डी पर हम मोमेंट ले लेंगे, तो डी पर मोमेंट लेने पर ये वैल्यू हमारी इसकी जीरो हो जाएगी और ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ ये इसका एफ सी ई का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डी ई है, तो वो डी हम यहाँ पर हमको कैलकुलेट कर लेंगे और उस तरीके से हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हम ये एफ सी ई भी निकाल लेंगे। तो यह मेथड ऑफ सेक्शन में कुछ स्पेसिफिक अवयवों में ही यदि हमको निकालना हो तो मेथड ऑफ सेक्शन अधिक उपयुक्त है, और यदि सभी अवयवों में निकालना है तो उस केस में हम मेथड ऑफ सेक्शन भी काम में ले सकते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट भी काम में ले सकते हैं, लेकिन मेथड ऑफ जॉइंट में हमारे लिए सिर्फ ये एक एडवांटेज होता है कि इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ही हमको ज्ञात करने होते हैं और वो भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और मेथड ऑफ जॉइंट्स में ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट हम ज्ञात करके उनको रिजोल्व करके हम प्रत्येक मेंबर में हम फोर्स निकाल सकते हैं। अब चूंकि इसमें इस चैप्टर में इसी तरह की ही प्रॉब्लम्स रहती हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के फ्रेम्स दी हुई होती हैं, तो सबसे पहले स्टेप वही होता है कि सबसे पहले हमको रिएक्शंस निकालना होता है, रिएक्शंस कैलकुलेट करने के बाद फिर हम जो मेथड हम काम में ले रहे हैं वो मेथड हम उसमें काम में लेते हैं। तो अब इसमें इसमें और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में सिवाय कि यह आपको फोर्सेस निकालने, और फोर्सेस निकालने का भी जो मेन है वह हमारा मेथड ऑफ सेक्शन में हमारा मोमेंट है कि मोमेंट लेना हमको आना चाहिए, और मेथड ऑफ जॉइंट्स में हमारा ये वर्टिकल
और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को रिजॉल्व करना आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि यह चैप्टर हमारे लिए बहुत इजी चैप्टर है। इसमें बस ये है कि कॉन्फिडेंस यदि हमको डेवलप करना है तो निश्चित तौर पर हम अगर 2, 5, 10 प्रॉब्लम से यदि हम कर लेते हैं तो यह हमारा चैप्टर हमारा 100% एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर्ड हो जाता है। और इस तरीके से हम इस चैप्टर को हम कॉन्फिडेंटली उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की प्रॉब्लम को। तो ये इस चैप्टर का हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। थैंक यू।